नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। बातचीत कर रहे हैं पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ झारखंड से। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष झारखंड बाबूल लाल मरांडी को थोड़ी सी राहत मिली रघुवर दास को उड़ीसा शिफ्ट करने से। जी हाँ, बेशक राहत तो मिली है। देखिए, चूंकि जो लंबे समय से जो बातें चली आ रही थी ना, और जो बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के माने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रामक थे, तो कहीं ना कहीं जब यह बातें उठती थी, जबकि भाई जो भी घपले घोटाले की बात है बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, वह घपला जो है उसकी शुरुआत सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार में नहीं हुई है, उसके तार पहले से कड़ी जो है कड़ियां जुड़ रही है। और खास करके उसमें रघुवर दास का कार्यकाल गिनाया जाता था मुख्यमंत्री का, तो थोड़ा असहज होते थे। स्वाभाविक है, एक सवाल डाकते थे तो दूसरा पूछ देता था कि भैया ये प्रेम प्रकाश कौन है जिसके बारे में सवाल उठा रहे, क्योंकि प्रेम पर आरोप है कि रघुवर दास जो अभी भी चल रहे थे ना पिछले कुछ दिनों तक, वो गाड़ी जो दी हुई थी वो प्रेम प्रकाश की ही थी, ठीक है ना, जो प्रेम प्रकाश जेल में है घोटाले। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें भी दिखा देता था लोग जवाब में, तो असहज होते थे। तो इस बार भाजपा, और दूसरी बात जो जो खींचतान जो चल रही थी, जो खेमेबंदी थी, रघुवर दास की खेमेबंदी अलग है, अर्जुन मुंडा की अलग थी, फिर अपने तो अलग थे, वो अपने बाबूलाल मरांडी थे ही थे। तो बहुत शीर्ष नेतृत्व जो है ना, बहुत लंबे अरसे से देख भी रहा था क्या रास्ता निकले नहीं निकले। तो जो खास करके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो असहज करने वाले सवाल थे ना, और जो जहाँ रघुवर का नाम आ जाता था, रघुवर दास का नाम आ जाता था, तो बहुत सलीके से रघुवर दास को राज्य की राजनीति से निकाल करके उड़ीसा ले गई। और इस नाते यह न मानिए कि सिर्फ उड़ीसा ले जा करके उनको क्या बोलते हैं, कहता है कि राजनीति के माने मुख्य धारा से किनारे कर दिया, उनको एक भवन में राजभवन में बैठा दिया, ऐसा नहीं है। कानूनी पचड़े से भी रघुवर दास को बचाया, ठीक है ना। कैसे, जो तमाम मामले हैं अभी जो थे उसमें जो घोटाले वगैरह हुए हैं, जिसमें लोग जेल में भी आईएएस ऑफिसर हैं और सब है, इनके गुटबुक में थे, बहुत तेरे जांच की बात थी, एसीबी कई मैनहट घोटाला का जो मामला था, इसर जुड़ा उस समय सरकार में रहते हुए उठाते थे, उसकी एसीबी जांच है, वो रिपोर्ट दबी हुई पड़ी हुई थी। तो कहीं जब खुलती ना तो फिर कानूनी शिकंजे में फंसती, तो फिर उस समय भाजपा बहुत असहज हो जाती। और चूंकि रघुवर दास चले गए, वहां संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, बैठ जाएंगे, अभी तो शपथ उन्होंने शपथ नहीं हुई, 30 तारीख या 31 तारीख होना है, वो जाएंगे अपना उड़ीसा है, तो उनको उस तरीके से भी बचा ले गए। और अब जो है सीधे आरोप भी नहीं लगाएगा ना, जो विरोधी भी है उस तरीके से नाम नहीं लेगी खुल करके, क्योंकि तो वहां भी अपना जो है संवैधानिक मामला अगर है, तो इस तरीके से उनको किनारे करके जो किया है, तो उसमें फिर बाबूलाल मरांडी भी सहज हुए, बाबूलाल वो मरांडी फिर को लेकर केंद्रीय नेतृत्व इतना सहज क्यों है और इतना विश्वास भी क्यों है, जबकि वो एक बार पार्टी छोड़ चुके थे और रघुवर दास पार्टी में थे। यह सही है कि उन पर अभी भी एक जो ये जो ठप्पा लगा हुआ है कि बाहरी बनाम भीतरी का, उनको लोग झारखंडी स्वीकार नहीं कर पाते, यह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है ऐसा। लेकिन बाबूलाल मरांडी पर इस कदर विश्वास का क्या कारण है हाईकमान का? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जो भाजपा की दुर्गति हुई, ठीक है ना, उसमें था कि आंख बूंद करके शीर्ष नेतृत्व ने जो है रघुवर दास पर भरोसा किया, क्योंकि 5 साल सरकार चलाए थे, और तमाम लोग जो बहुत पुराने साथी सब रहे, जैसे रघुवर सरजू राय जैसे लोगों का टिकट कटना सब कुछ है, उनको अंतिम दौर तक जो है नेतृत्व समझाता रहा कि आप इत्मीनान रहिए, आपको टिकट मिल रहा है, सब है, ठीक है ना। उनको तो माने वो तो संभल के कहिए कि किस तरीके से सरजू राय अभी भी बातचीत में कहते हैं कि भैया वो तो हमको क्या मती में आ गया कि चलो जाके वही हम चुनाव लड़ जाते हैं, नहीं तो हमारा तो नॉमिनेशन भी नहीं हो पाता ना, जो डेट भी जा रहा था, शनिवार का मामला था, एक दिन बचता था,
तो संडे को नॉमिनेशन पेपर मिलता नहीं, ये खरीदते नहीं उस दिन, करते नहीं सेम डेट में, तो ये तो खरीद उरीद के रखे थे। तो इस तरीके से होते, इतना आंख मूंद करके विश्वास किया, कितने लोगों का टिकट काटा, ये कितने लोगों को टिकट मिला, सब कुछ हुआ बावजूद इसके सत्ता से हाथ धो बैठना, ये रघुवर दास के लिए जितनी शर्मिंदगी की बात थी, भाजपा नेतृत्व के लिए देश में उदाहरण दिया जाने लगा ना। जो भाजपा इतने तेजी से उभार पर रही है अभी भी है, उसको यह हाल हो जाना झारखंड में, तो नेतृत्व के लिए भी तो बहुत शर्मनाक स्थिति थी, तो झेल रही थी। और फिर जब बाबूलाल मरांडी को लाया साथ में, इस उम्मीद के साथ कि भाई पुराने हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग रहे, संघ के प्रचारक रहे, सब रहे हैं, पुराने साथी हैं, तब तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बीजेपी ने उनको बनाया था, तो बनाया सब कुछ था ठीक है। बाद में तो खींचतान के कारण ही तो बाहर हुए थे ना, फिर अर्जुन मुंडा का आना, उनसे दूरी बढ़ जाना, फिर बाद में रघुवर दास का आ जाना, फिर खेमेबंदी होना, जो तो भाजपा में रह के अर्जुन मुंडा रघुवर दास नहीं पढ़ते थे, बेचारे बाहर रह के अपने से नियम बना के नहीं पढ़ते थे, तो संगठन तो है ही ना उनका, जिन लोगों से जुड़ा है ही है, जो भले उस समय तो भाजपा बट ही गई थी ना एक तरह से, जब बाबूलाल मरांडी अलग हुए थे, तो तमाम तो हर एक जिले में जो चेहरे हैं वो कौन है, वो सब भाजपा है जो जेबीएम में थे। तो आज जब फिर वो लौट के आए तो क्या स्थिति हो गई कि उनके समायोजन का संकट हो गया, क्योंकि तमाम जो पदों पर, कोई प्रखंड अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई चुनाव लड़ चुका है जो जेबीएम से, अब सबको तो चूंकि भाजपा में आ गए बाबूलाल मरांडी, तो वो लोग भी अगर भाजपा में लौट गया है तो ऐसा तो नहीं है कि पूजा करने और संत इनका अंतर्वक्ता किया गया है, वो भी तो राजनीति उसमें स्वार्थ है, राजनीतिक हित है, तो उसका सामंजस्य कैसे होगा। आज तक इस संगठन का पूरा जो है स्वरूप नहीं ले पाया, इनका जो है इनके नेतृत्व में जो गठित हो कमेटी वगैरह जो है, ये मूर्त रूप नहीं ले पाया था, तो भाजपा आज ने यह रास्ता निकाला है। और देखिए जो बाबूलाल मरांडी पर भरोसे की बात, एक तो जो बाहरी भीतरी का मामला जो विपक्ष भी हवा दे देता है मंसूर ने वगैरह, वो तो है ही है, खैर वो जो बाहरी भीतरी है तो कहने की बातें हैं, लेकिन वोट का जो हिसाब किताब है उसमें ऐसा नहीं है कि बाहरी को नजरअंदाज करके कोई भी ठीक है हो जाए, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो पिछले चुनाव में जो स्थिति हुई थी उसमें खास करके आदिवासी वोट पर जब जाएंगे, तो 28 सीट है झारखंड में आदिवासी सीट, जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है ठीक है ना। अब वहां जो परिणाम आया था, बीजेपी को मात्र 2 सीट मिली ठीक है ना, तो आदिवासी चेहरे चेहरे को तो आगे लाना ही पड़ेगा ना विश्वास जीतने के लिए, 28 सीट तो कम नहीं ना है, 28 सीट नहीं 26 सीट यू लोग जीत के और ले गया था। इसका इसका असर इसलिए हुआ 28 में दो, क्योंकि वहां रघुवर दास जी थे। हाँ बेशक, हाँ बेशक, अब देखिए ना यहाँ तो रघुवर दास हारे ही हारे थे, पूरे कोल्हान में जो सीटें हैं ना, यहाँ भी 14 के करीब सीट है, वो तमाम सीटें ना बाहर गई थी बीजेपी, सब यहाँ जेएमएम में जीता हुआ है, आए कांग्रेस जीता हुआ है, एक निर्दलीय जीते हुए हैं, तो यहाँ यह स्थिति हो गई थी। खासकर सोचिए ना उनका अपना गृह जिला है, उसमें 1 सीट जो खुद हार गए तो क्या दूसरे को जीते, तो यह सब स्थिति तो बनी थी। तो एक है, और दूसरा है कि भाजपा करेगी ना उसको वैकल्पिक, देखिए हर एक वोट बैंक जो जातीय हिसाब किताब है, तो ओबीसी का जो मामला आएगा तो उसमें ऐसा नहीं, देखिए कुर्मी का जो वोट बैंक है यहाँ झारखंड में निर्णायक है, उसके अनदेखी करके कोई भी नहीं चल सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में जो पराजय हुई थी बीजेपी की, उसमें एक कारण यह भी था कि आसू जो है, आसू मजबूत पकड़ रहता सुदेश महतो की पार्टी जो है, उसका कुर्मी मतों पर एक अधिकार माना जाता है अब तक ठीक है ना, तो वो साथ में नहीं थी, साथ में नहीं थी, तो परिणाम हुआ कि तमाम उसके भी उम्मीदवार हारे, वो लगभग तकरीबन सीटों पर चुनाव लड़ा, आसू ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार दिया तो खुद भी हारी, जीती हुई भी सीट हारी, ऐसा नहीं आसू को भी घाटा हुआ, लेकिन इनको तो घाटा देके ऐसा दर्द किया कि पूछिए मत ठीक है ना। तो यह है, तो इसके लिए है कि आसू अभी साथ में है, और आसू इस बात पर भी तैयार है कि भैया लोकसभा में हमको एक सीट दे दीजिए, काम चल जाएगा, नहीं होता विधानसभा में थोड़ा हमारा मैंने ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा सीट हमको दीजिएगा, तो वहाँ वो सब हिसाब है। फिर अभी एससी वोट का, एसटी तो वोट की बात कर ली, एससी वोट का मामला है, तो अमर बाउरी होते हैं, ये चंदन कियारी से हैं तो विधायक हैं, वो भी बाबूलाल मरांडी के साथ ही चले गए थे, तो बाद में रघुवर दास ने ही उनको लाया था यहाँ, तो उनको जो है विधायक दल का नेता बनाया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जब आए थे तो
विधायक दल का नेता उनको बनाया गया था, लेकिन मान्यता के मामले में स्पीकर ने लटका उठका के वो सुनवाई वही रही है आज तक, तो कुछ मामला सुलझा नहीं। तो एससी से आते हैं तो अमर बाउरी को वहां बैठाया, फिर आप जो है जयप्रकाश भाई पटेल होते हैं तो टेकलाल महतो होते थे विधायक, बहुत मजबूत थे, कुर्मी वोट पर उनका असर था, तो जयप्रकाश भाई पटेल भी भाग गए थे, तो बाद में रघुवर दास सिंह उनको वापस लाए, ठीक है ना, तो उनको भी जो है विधानसभा में सचेतक बनाए हैं, वो भी कुर्मी समुदाय से है, तो इस तरीके से तो है ही है। और फिर जो रघुवर दास चले गए हैं तो ऐसा थोड़े है कि संवैधानिक पद पर बैठ के लोग राजनीति नहीं करता है जी, भीतरखाने जो मामला नहीं, होती है तो रहेंगे। एक यह भी है कि क्या अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास में तीनों के शासन को वहां के लोगों ने देखा और केंद्रीय नेतृत्व भी देखा, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक मुख्यमंत्री, एक अच्छे प्रशासक के तौर पर, क्या बाबूलाल मरांडी औरों से बेहतर हैं अर्जुन मुंडा और रघुवर दास से? देख इसमें ना, इसमें आपको अर्जुन मुंडा को हम किनारे कर देते हैं तो रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी में अगर मानिएगा तो नंबर के मामले में, देखिए हाँकने के मामले दो दो बातें हैं, हाँकना जो होता है ना नौकरशाही को हाँकना, तो हाँकने के मामले में रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी को 100-100 नंबर दी, ठीक है ना, लेकिन इस्तेमाल हो जाने के मामले में, हाँकने के बावजूद इस्तेमाल हो जाने के मामले में, तब उसमें रघुवर दास फिर फिसड्डी हो जाएंगे और बाबूलाल मरांडी 1 नंबर पर है, उनको नौकरशाही ने इस्तेमाल नहीं किया, ये तो है इस मामले में है, प्रशासन के मामले में उनका था, क्योंकि वो डोमिसाइल वगैरह लेकर के आए और उससे जो माहौल असहज हुआ उससे भाजपा भी असहज हुई और उनको रिप्लेस वगैरह किया गया, उसके अलावे बाबूलाल मरांडी के शासन में कुछ भ्रष्टाचार वगैरह ये सब कुछ बात नहीं थी, उनको उन्होंने राज्य को पटरी पर ले जाने के लिए ईमानदारी से काम किया, तब तो विपक्ष उनको बाबूलाल मरवाड़ी बोलता था समझे ना, चूंकि उद्योग धंधा को बढ़ावा दे के तालमेल करके कि भाई विकास के पटरी पर दौड़ाना है तेजी से, चूंकि बच्चा राज्य है अभी इसको बढ़ाना है नौजवान करना है, तो उस तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है वो किनारे हो गए सब कुछ हो गए, तो उसके बाद तो दूसरे भी उदाहरण है ना जी, अब क्या बोलते हैं अर्जुन मुंडा के समय में आइए, तो जिस अर्जुन मुंडा के कारण कहा जाता है कि मधुकोरा को टिकट नहीं मिला था, ठीक है मधुकोरा निर्दलीय चुनाव लड़ गए वहीं से, और वही निर्दलीय विधायक जो है अर्जुन मुंडा को पांव पैदल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा ना जी, तो स्थिति तो वही है, तो आज के तारीख में बातें हो रही है कि अब मधु कोरा भी वापस हो रहे हैं, ठीक है ना, जो उनकी पत्नी गीता कोरा सिंहभूम से है, और सिंहभूम में भाजपा के पास कोई ऐसा उम्मीदवार उम्मीदवार अब बचा नहीं है लड़ने उड़ने वाला, ठीक है ना, तो वो आ जाएंगे, रघुवर दास की भी हो रही है, अर्जुन मुंडा रघुवर दास की भी मुलाकात अभी अर्जुन मुंडा और सरजू राय की भी मुलाकात हुई है, ठीक है ना, तो ये सब हो रहा है, कई पुराने मलखान सिंह यहाँ पर हैं, अरविंद सिंह मलखान सिंह बाहुबली होते हैं, बिहार के जमुई के ही हैं, लेकिन यही उनके पिताजी प्रोफेसर थे यही रह गए, तो ये सब लोग वापस आएंगे तो समीकरण तो बदलेगा ना, और भाजपा के प्रति थोड़ा मैंने अब लग रहा है कि कुछ स्थिति सहज होगी, अब कितना सहज होगा नहीं होगा ये तो बहुत इत्मीनान से कहना तो मुश्किल है, अभी सबकी समायोजन का जो सवाल होगा ना, अब मान लिया मलखान सिंह आ जाएंगे तो उनको अब कौन सीट देगी भाजपा क्या करेगी, वो ईचागढ़ से लड़ते हैं, ईचागढ़ पर आंसू का दावा है, पिछले बार भी आंसू लड़के अच्छा पोजिशन पर रहे थे अकेले लड़के, तो कुर्मी बहुल क्षेत्र है तो वहाँ क्या होगा, उनको कहाँ समायोजित किया जाएगा, अब अभय सिंह है तो इस पर भाजपा हम में लोग आ गए आगे हैं बातचीत बाबूलाल, करेंगे। फिलहाल आपने जो समय फिर निकाला उसके लिए आपका आभार। नमस्कार। जी जी नमस्ते।